विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 10 वैश्विक समस्याएं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में के प्रथम भाग के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है, पर्यावरण में प्रदूषण कितने तरह से फैलता है और प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात क्या, तो मानव की पर्यावरण विरोधी प्रवृत्ति के कारण सजीवों के जीवन के लिए जो आवश्यक घटक हैं उनके दूषित होने की क्रिया को प्रदूषण कहते हैं। तो पर्यावरण में प्रदूषण दो तरह से फैलता है, एक प्रकृति के द्वारा, दूसरा मानव के द्वारा। प्रकृति के द्वारा जो प्रदूषण फैलता है उसमें कौन कौन से घटक हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट, दावानल, चक्रवात, समुद्र पर से चलने वाली पवनें, वर्षा आदि द्वारा हवा, पानी और जमीन का प्रदूषण होता है। तो प्रकृति द्वारा, इन तत्वों के द्वारा हवा, पानी और जमीन का प्रदूषण फैलता है। मानव द्वारा प्रदूषण कैसे फैलता है, उद्योगीकरण, शहरीकरण, परिवहन के साधनों द्वारा, अणु विस्फोट, छोटे बड़े युद्ध, जंतुनाशक दवाइयों का छिड़काव, उपग्रह, जंगलों का विनाश आदि कारणों से मानव द्वारा प्रदूषण फैलता है। इस प्रकार के प्रदूषण के जो मुख्य प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है जल प्रदूषण। जाति मित्रों, जल ही जीवन है, ये युक्ति वास्तव में सार्थक साबित होती है। पृथ्वी की सतह पर निवास करने वाली जितनी सजीव सृष्टि है उन सब के लिए जल नितांत आवश्यक है। जल के बिना अर्थात जल का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, परंतु शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण जिस बड़े पैमाने पर जल का अविवेकपूर्ण ढंग से अमर्यादित उपयोग हो रहा है उससे पानी की गुणवत्ता लगातार घट रही है। जो हमारे देश की प्रमुख नदियाँ हैं, तालाब हैं या जलाशय हैं, उनका पानी अशुद्ध हो गया है और उसके साथ साथ पानी में अल्प मात्रा में तरल अशुद्धियाँ, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। पानी में जब इन पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तब वह पानी प्रदूषित जल कहलाता है, प्रदूषित पानी कहलाता है। इस स्थिति में पानी स्वयं शुद्ध होने की क्षमता वाला नहीं होता है। ये प्रदूषण कैसे फैलता है, जो विविध औद्योगिक इकाइयाँ हैं, औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो अनिच्छनीय पदार्थ, बचा हुआ पानी, अनेक भारी धातु, रासायनिक अवशेष आज जो जलाशय में जाते हैं और उसको दूषित करते हैं, जिसे चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग और रसायन उद्योग से बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण फैलता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए जो हरित क्रांति हुई है उसमें जंतुनाशकों एवं अकार्बनिक पदार्थों से बने रासायनिक खादों का उपयोग बड़े पैमाने पर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ये रसायन वर्षा ऋतु में पानी के साथ बहकर जलाशय तक पहुँचते हैं और जलाशयों को प्रदूषित करते हैं। ये पानी जब ज़मीन में नीचे उतरता है तो भूमिगत जल को भी दूषित करता है। नाइट्रेट की खादों के कारण भूगर्भ जल में उसकी मात्रा बढ़ती है। हमारे देश की जो प्रमुख नदियाँ हैं, सरोवरों के किनारे आयोजित किए जाने वाले जो बड़े बड़े मेले लगते हैं, तीर्थ यात्रा है और जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, ये भी जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार कि भारत की जो कुल उपलब्ध जल राशि है उसका 70% भाग प्रदूषित हो चुका है। जल प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है, जल प्रदूषण के कारण सबसे बड़ी बात यह है, जीव सृष्टि के जीवन चक्र में बाधा पहुँचती है, पाणीजन्य रोगों का प्रसार होता है, प्रदूषित जलाशयों के कारण जो पानी की जीव सृष्टि है उसका नाश होता है और प्रदूषित जल जब ज़मीन में उतरता है तो भूमिगत जल को दूषित करता है। विद्यार्थी मित्रों, ये तो जल प्रदूषण का प्रभाव हुआ। नीचे दिया गया उसमें देखिए आप कि जलाशयों, नदियों का पानी और उन जलाशयों में रहने वाले जो समुद्री जीव हैं, चाहे वो मछलियाँ हों या छोटे बड़े जीव हों, इन सब के ऊपर उसका
विपरीत पर असर प्रभाव देखने को मिलता है। और यदि ये दूषित पानी से सिंचाई की जाए तो कभी कभी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। तो ये इस प्रदूषित पानी से सिंचाई करने से कभी कभी जो साग सब्जी की खेती होती है, फलों की खेती होती है, उसमें भी प्रदूषण का प्रमाण बढ़ता है। और प्रदूषित नदियों के बेसिन में जो साग सब्जी की खेती की जाती है उसमें अनेक प्रकार के जहरीले द्रव्य पाए जाते हैं। जाती तो दूसरा प्रदूषण है वायु प्रदूषण। शुद्ध हवा स्वस्थ जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भोजन के बिना मनुष्य कुछ समय तक जीवन यापन कर सकता है, परंतु हवा के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। उद्योगों, वाहनों एवं अनेक प्रकार के ईंधन के उपयोग से पर्यावरण में जो जहरीली वायु फैलती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और मनुष्य की जो अत्याधुनिक बनने की जो इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, उसने पूरे वातावरण को एक कचरे के ढेर में, कूड़ेदान में बदल कर रख दिया है। हम वातावरण में ठोस द्रव या गैस रूप में कूड़ा कचरा लगातार डालते जा रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में अश्मभूत ईंधन के बढ़ते उपयोग से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और शीशा जैसी अशुद्धियों का प्रमाण बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है? वायु प्रदूषण के कारण जो रासायनिक प्रदूषकों के कारण ओजोन स्तर में छिद्र होने से जीव सृष्टि के सामने खतरा पैदा हुआ है। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण अम्ल वर्षा का प्रमाण बढ़ा है। घनी जनसंख्या वाले प्रदूषित नगरों में धुंधले सूर्योदय और सूर्यास्त भी वायु प्रदूषण का ही परिणाम माना जाता है। नगरीय क्षेत्रों में ठंडी के मौसम में अत्यंत सुबह दिखने वाले घना कोहरा है, वो भी प्रदूषण का ही परिणाम है। मनुष्य में त्वचा, श्वसन तंत्र एवं गले संबंधी अनेक प्रकार के रोगों की संभावना बढ़ती जाती है। और हवा में रही हुई जो शीशे की अशुद्धि है वो चेतातंत्र, मूत्रपिंड और हृदय पर गंभीर प्रभाव डालती है। बागायती खेती पद्धति में भी वायु प्रदूषण के प्रभावों का पड़ा है, जिससे फसल का उत्पादन घटता है। बिल्कुल शॉर्ट में कि वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होता है कि ओजोन स्तर में नुकसान पहुंचा है, जो जीव सृष्टि के लिए खतरा पैदा हुआ है, तेजाबी या अम्ल वर्षा होती है जिससे वनस्पतियों का नाश होता है, मानव को चमड़ी, श्वसन तंत्र और गले के रोग होने की संभावना बढ़ती है और फसल का उत्पादन घटता है। इसके बाद तीसरा है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण किसे कहते हैं? इसके बारे में कि कभी कभी भूमि अपनी जो उर्वरा शक्ति है, अपनी उत्पादकता है, वो बिल्कुल जब खो देती है तो वो भूमि अनुपयोगी बन जाती है, अनुपजाऊ बन जाती है। संबंधित क्षेत्र का फसल प्रतिरूप बदलना पड़ता है, जिसके प्रभाव से संयुक्त रूप से रोजगार और लोक जीवन पर उसके असर देखने को मिलते हैं। अनुपयोगी हुई भूमि को पुनः उपयोगी बनाने की क्रिया अत्यंत लंबी, अटपटी और महंगी है, इससे भूमि का यह प्रदूषण किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। ऐसी ज़मीन में नीचे उतरने वाला पानी भूमि के जल को भी दूषित करता है। सुंदर नयनरम दृश्यों के स्थान पर उज्जड़ और वीरान बनने से पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बिगड़ता है। आकृति में देखिए कि किस तरह से कचरे का ढेर लगा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, जो भूमि प्रदूषण का प्रभाव है, संक्षेप में एक बार फिर से सुध लेते हैं कि भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खो देता है, भूमिगत जल प्रदूषित होता है, भूमि उज्जड़ और वीरान बनती है और उस प्रदेश की फसल की पद्धति को भी बदलना पड़ता है। ये हुआ भूमि प्रदूषण। अब इसके बाद ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि आवाज़ की मात्रा जब मानव की सहन शक्ति की सीमा से बढ़ जाती है तो हम उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अनेक उद्योगों में यंत्रों की भारी आवाज़, हवाई जहाज़ों की या अन्य परिवहन के साधनों की आवाज़, लाउडस्पीकर, शहरों की व्यस्त सड़कें, मानव कोलाहल आदि ध्वनि के प्रदूषक माने जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? कि ध्वनि प्रदूषण के कारण, लगातार ऊंची आवाज़ के कारण लोगों में मानसिक तनाव का अनुभव होता है, लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और लंबे समय तक ये स्थिति रहने से कानों में बहरापन आ जाता है, पालतू प्राणियों को नुकसान पहुंचता है, सूंघने और देखने की शक्ति भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है।
ये हुआ ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। अब अगला है कि प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। प्रदूषण को रोकने के जो मुख्य उपाय हैं उनमें से प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहले जो प्रवाही कचरा है उसके योग्य निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। रासायनिक खादों और जंतुनाशक दवाओं की जगह पर जो विकल्प के रूप में जैविक खाद और जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। नदी सरोवर के किनारे जो आए हुए धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दरमियान जो प्रवाही या ठोस कचरा नदियों में डाला जाता है, सरोवरों में डाला जाता है, वैज्ञानिक ढंग से ऐसा आयोजन हो कि उसके ठोस कचरे का उस कचरे का निकाल किया जा सके। उद्योगों से निकलने वाली जो गैस है, द्रव या ठोस कचरे में से दूषित द्रव्य दूर करके ही बचे हुए पानी को बाहर निकालना चाहिए। नए उद्योगों की स्थापना के प्रारंभ में ही उसमें से होने वाले प्रदूषण और उसे रोकने के बारे में पूर्व आयोजन करना नितांत आवश्यक है। शहरों या आदिवासियों के आयोजन में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके वाहनों के डिजाइन में परिवर्तन करके हवा और ध्वनि का प्रदूषण घटा सकते हैं। कानूनी व्यवस्थाओं का दृढ़तापूर्वक अमल करना चाहिए। विद्यालय स्तर पर इस समस्या से भावी पीढ़ी को अवगत कराकर लोगों में जागृति लानी चाहिए। समाज के जो विविध मंडल हैं या स्वैच्छिक संस्थान हैं इस समस्या के निदान के लिए उन्हें भी आंदोलनात्मक कार्यवाही जागृति अभियान चलाना चाहिए। वायु प्रदूषण फैलाने वाले अश्मीभूत ईंधन के स्थान पर संभव हो वहाँ तक जो ऊर्जा के अखंड स्रोत हैं उनका उपयोग बढ़ाना चाहिए और दाह संस्कार के लिए लकड़ी के स्थान पर बिजली या सीएनजी भट्टियों का उपयोग करके भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्रदूषण रोकने संबंधी कदम लंबे समय अंतराल और दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर लिए जाएं, ये कदम उठाए जाएं या उपाय किए जाएं, तो निश्चित रूप से प्रदूषण के विनाशक प्रभाव को रोक सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसके बाद की चर्चा दूसरे भाग में की जाएगी। और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।